अब एक मिनट, अब ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये फिर मैं बताऊं कि अचानक की इस बुग्गी गाड़ी को रोकने के बाद ये कुछ लोग जुट के पीछे, शोरम यहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि अमित शाह जो वहाँ जाट 250 जाटों से मिल रहे हैं, उसमें जाट बिरादरी के रसूखदार लोग होंगे, किसान भी होंगे, उसके बाद ये मैसेज तो जाएगा कि बीजेपी जाट लोगों से बात करके उन्हें समझाने में कामयाब हो रही है या समझाने की कोशिश कर रही है, फर्क पड़ेगा उससे? बताओ आपका नाम फिर से बताओ। ब्रह्म सिंह जी, अभी देखो ये दो लोग मिले पीछे, अचानक मिले, इनके उस पर बैठ गया, मैं इनको भी नहीं जानता था, यहाँ रुका तो आप लोग रुक गए, वैसे आप रुके, वैसे वो पीछे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ये कौन सा गांव हुआ? ये गोड़ा है जी। और विधानसभा बुढ़ाना हुआ? विधानसभा बुढ़ाना। हाँ, तो पीछे सोरम है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर सोरम से ही लौट रहा हूँ, तो ये बुग्गी गाड़ी वाले मिल गए। भैंसा गाड़ी बोलते हो इसको? हाँ जी, झोटा बुग्गी है। झोटा बुग्गी, छोटा बुग्गी, छोटा इसलिए। हाँ, तो क्या नाम है आपका? देविंदर है जी। देविंदर। आपका? रामपाल है जी। तो आप जाट बिरादरी के हो ना देविंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ देविंदर जी, थोड़ा सा ट्रैक्टर पीछे आ रहा है, आप जरा ट्रैक्टर से अपना बचाव करें। देवेंद्र जी, इस बार जो है चुनाव में जाट बिरादरी किधर है? जाट बिरादरी है आदमसूद। आदमसूद? हाँ। मतलब भाजपा पे भी है, लोकदल पे भी है। अच्छा। हाँ जी। कितना भाजपा में, कितना लोकदल में? नू मैं कह नहीं सकता जी, हम तो गुंठा टेक है अपना छोल के लाइव जा। तब भी अंदाजन की कितना? बस तो गांव में पता नहीं कितनी वोट है, कंगो ज्यादा हो जा, कंगो कम हो जा। अच्छा। तो ज्यादा किधर है, बीजेपी की तरफ या ज्यादा बीजेपी के खिलाफ? ज्यादा बीजेपी के खिलाफ पाओगी। बीजेपी के खिलाफ? हाँ। तो जो ज्यादा अगर बीजेपी के खिलाफ है तो किसके साथ है? लोकदल के। अच्छा। और आप किधर हो? हम भी लोकदल में ही है। अच्छा, तो ये बताओ, तू बता किधर है? किधर है? हैं? चौधरी साहब उधर वाले को मगा, तू किधर है? आप भी आ जाओ, जरा आप भी आ जाओ, आप भी उतर के आ जाओ। तो ये बताओ कि चौधरी साहब, आप फिर लोकदल की तरफ क्यों हो, बीजेपी की तरफ क्यों नहीं हो? अरे अरे अरे, ये देखिए बहुत ट्रैक्टर वाले लोग मिल रहे हैं, जरा रुको भाई, रुको यही जरा बात करेंगे, रुको ट्रैक्टर वाले, रुको आप भी आ जाओ, कुछ और ट्रैक्टर वाले मिले हैं। और हमें अभी बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में, ये भी जाट है। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर जिले की एक सीट है, और बुढ़ाना की बात करें तो यहां से उमेश मलिक बीजेपी के विधायक हैं, सही बोल रहा हूं? है? हाँ जी। और यहां आरएलडी के उम्मीदवार उनके सामने हैं। मुजफ्फरनगर जिले की सभी सीटों पर 2017 के चुनाव में बीजेपी को कामयाबी मिली थी, इस बार बीजेपी को डर है कि कहीं मुजफ्फरनगर में और जाट बहुल इलाकों में बीजेपी को झटका न लगे, इसीलिए आज दिल्ली में पश्चिमी यूपी के करीब करीब 250 जाट स्थानीय नेता भी हैं, किसान हैं, उन लोगों को बुलाया गया अमित शाह से मुलाकात के लिए। तो मैं यहाँ आ गया पश्चिमी यूपी, यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, मैं दिल्ली से इधर आ गया कि जरा यहाँ राय शुमारी करते हैं कि लोगों के मन में, जाटों के मन में क्या। अब आप बताओ जी, क्या आपने बताया कि आप लोकदल की तरफ हो, तो आप लोकदल की तरफ क्यों? हजी लोकदल की तरफ नु है, सभी लोकदल को भी देख ले, दो योजना एक न कर ली। अब पीछे बीजेपी को दिया था वोट? हाँ जी, बीजेपी को दिया था। कब दिया था? 17 काम अरे याद है, कर दिया था, 5 साल पूरे हो रहे, 5 साल पहले दिए थे। तो इस बार बीजेपी इस पल्ला क्यों झाड़ रहे हो? पल्ला नहीं झाड़ रहे जी। हाँ। पल्ला पसार रहे, जोन सी होगी वही बढ़िया, पर वो लोकदल को देंगे वोट। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपको पता है, आप लोग भी ये देखिए इस बीच क्या हुआ, इनकी बुग्गी गाड़ी बोलते हैं इसको। हाँ। इस पे बैठ गया, तब तक एक ट्रैक्टर से गन्ना ले जा रहे थे, वो किसान भी रुक गए, 4-5 और रुक गए। उनसे भी पूछते, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र कुमार प्रमुख उर्फ
प्रमुख उर्फ मतलब इनका पिताजी प्रमुख था, इन्हें भी प्रमुख साहब कह के बोला। अच्छा पहले प्रमुख थे। तो एक तो यहाँ देखते हैं जो प्रमुख रहता है हट जाता है तब भी प्रमुख रहता है, पूरा खानदान प्रमुख हो जाता है। जी, बाल बच्चे एक जगह बैठ गया, तीन पीढ़ियां से प्रधान हो जाए। हाँ पता है, तीन पीढ़ियों से सब प्रधान। एक जगह तो पता चला की 20 साल पहले प्रधान थे। हाँ जी, उन्हें भी आज भी प्रधान जी कहे। हाँ बात सही है। अब ये बताओ, एक सेकंड जरा आप जो बोल रहे हैं आप लोग सामने आ जाओ। अब ये बताओ चौधरी साहब कि जैसे आज वहाँ अमित शाह से जाट लोगों का, जाट किसान है, नेता होंगे स्थानीय जो भी होंगे, उन सब की मुलाकात अमित शाह से दिल्ली में इसीलिए हो रही है क्योंकि लगता है जाट नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करें, तो नाराजगी वहाँ जहाँ जाट चौधरी जा रहे आज खाप के चौधरी बुला रखे होंगे, नरेश टिकैत भी जा रहे क्या? नहीं नरेश टिकैत नहीं जा रहे होंगे। बस तो फिर यहाँ तो बालियानु के नरेश टिकैत है, फिर कहाँ बुला लिए उन्होंने भाई चौधरी को? तो जो बुलाओ जाट बुला लिए, वे बुला लिए यहाँ के, तो टिकैत को बुला लेते, अगर वो चले जाता तो सब चले गए थे, नहीं कोई नहीं गया। हिंदू जाट को बुलावे तो टिकैत को बुला लो, टिकैत को बुला लो। दूर से क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं दूर से नहीं, टिकैत नहीं गया तो कोई नहीं गया, सब बनाए हुए वे हैं चौधरी, उनके उन्हें से सर खाप चौधरी कह दो, अगर उनका पल्ला यहाँ आकर बुझोगे किसी बिरादरी तो वे चौधरी नहीं। अरे ये बताओ, ये बताओ पहली बात कि नरेश टिकैत भी बाल्यान खाप के चौधरी है ना, खाप तो और है, बहुत सारे खाप हैं, वे भी नहीं जाने के ओरिजिनल खाप है, देशवाल है, देशवाल में से भी नहीं जाने के, और बहुत सारे तोमर में से भी नहीं जाने के, मलिक भी नहीं जाने के, जो ओरिजिनल चौधरी है, लोकल अपना बनाया का कोई बीजेपी वाला ले जाओ उसकी कोई बात नहीं। 250 लोग अमित शाह से मिलने वाले हैं आज। अजी 250 तो बतेरे हो जाए, बीजेपी का सरकार है 250 क्या है, तो 2500 भी कर देंगे उन्हें क्या तोड़ा? सरकारी कर्मचारी हो गए होंगे उनके, जो सरकारी कर्मचारी लगे रहे उनके साथ उन्हें क्या तोड़ा है? आप जितनी रैली देख रहे सब में स्कूल के बच्चे छुट्टी कर करके स्कूल के बच्चों पर ही झंडे ठुआ दिए उन्होंने भाजपा के, तो उनके तो आज सरकार है जो जी माओ कर। गोड़े से बताओ कौन जा रहा? हम तो 9000 वोटों का गांव है कोयला, कोई नहीं जा रहा। कितने लोग गए, कौन लोग गए? 9000 वोटों का गांव है कोयला, कोई नहीं जा रहा। अरे इस गांव से नहीं गया, पूरे पश्चिमी यूपी से बुलाया गया है। चले गए होंगे, चले गए सब जगह जहाँ। अच्छा ये बताओ, वाले अलग होते हैं ना जाने वाले अलग होते हैं। आप आगे आ जाओ ना, जो बोलना है सामने आ जाओ फ्रेम में। आपका परिचय, मैं ब्रह्म सिंह हूँ, रिटायर्ड पुलिस कर्मी हूँ, और ये आपका ठिया है। अच्छा किसान आगे आ जाइए, और मैं भी किसान हूँ। अच्छा, और हम किसान हैं तो हमें कहाँ फुर्सत है कहीं जाने की? न मुझे फुर्सत है, न इन्हें फुर्सत है, जाने वाले अलग ही हैं। जी बिल्कुल। और रही ये के भाई कौन कहाँ है ये तो पता वोट पे लगता है। सही बात। तो ये बताओ, तो फिर आप ही बताओ चौधरी साहब, हर जाट चौधरी होता है, तो चौधरी साहब आप बताओ कि कितने जाट बीजेपी की तरफ है और कितने जाट बीजेपी से खिलाफ है? जो 2-4% खिलाफ होंगे वे भी चुनाव तक सब वहीं आ लेंगे। अरे तो गलत बोल रहे हो, बहुत जगह मैं जाता हूँ। गलत नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। जो वीडियो कल शामली का आया है, ऐसा एक दो और गिरवा दिया, एक भी ना जाएगा कहीं मिलेगा। जो वीडियो कल रसूलपुर का आया है, एक दो और होते ही फिर ये उमेश मलिक क्षेत्र में जाना ही नहीं, जाने का ही, जो कल जाने का ही नहीं। वीडियो आया है उसका, उसके नाई दर्शन के चेहरे का, अगर ऐसा एक दो और जारी हो गया तो कहीं भी ना मिलेंगे। मतलब तो 7 साल में कोई इलाज नहीं करेगा ही ना, किनको नहीं मिलेगा? सपा का, सपा को लोकदल बता मैं, ये जो बीजेपी सपा लोकदल खिलाफ हो? हाँ जी हाँ, ये बीजेपी के बीजेपी वाले हो? राष्ट्रवादी हैं हम तो। ओ राष्ट्रवादी हैं ये। 7 साल से बीजेपी आई तब सही राष्ट्रवादी लोग हुए, नहीं उससे पहले ये भी ऐसे ही थे। ये 7 साल में ही राष्ट्रवाद सीखे, नौकरी करके रिटायर आ गए। शुरू में मुझे लगा रिटायर होके दरोगा से रिटायर होकर आगे, लेकिन 7 साल से पहले इन्हें ये नहीं पता था राष्ट्रवाद क्या है। जब से बताओ तो आपके हिसाब से बीजेपी की तरफ कितने हैं, बीजेपी के खिलाफ कितने हैं? हो सके 10-5% खिलाफ। आप भी रुक जाओ, आप भी रुक जाओ जरा, यही सब एक एक करके ऐसे ट्रैक्टर लगा के पंचायत बन जाए। आगे हमारे मास्टर जी किसी से पूछो, बस दो मिनट और जैसे कहने और करने में अंतर होता है। पहले ये बताओ कि कितने लोग आपके हिसाब से बीजेपी के साथ, कितने परसेंट? लगभग कम से कम 70%। तो इनके हिसाब से 70% लोग बीजेपी? यही अटवा दो जी, यही अटवा, यही अटवा लो जी, कितने हैं 70% में? और ये तो माइक के सामने सबके सामने आओगा, ये तो वीडियो है। जब वोट जाता है
तो खिलाफत करने वालों के घर वाले भी साथ नहीं जाते। अच्छा आप ये बताओ, आपका नाम फिर से बताओ। ब्रह्म सिंह जी, अभी देखो ये दो लोग मिले पीछे, अचानक मिले, इनके उस पर बैठ गया, मैं इनको भी नहीं जानता था, यहाँ रुका तो आप लोग रुक गए, वैसे आप रुके, वैसे वो पीछे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? धनवीर सिंह। धनवीर सिंह, तो धनवीर सिंह जी आप किधर हो इस चुनाव में बता दो। अब देखो तनवीर सिंह भी उधर उठा दे रहे हैं, ये इधर है, तो यहाँ तो अल्पमत में कम से कम हो आप। नहीं यहाँ मैं अल्पमत में हूँ भले ही हूँ, लेकिन ये तो ग्रुप हो जाता है। यहाँ जो ये है, ये जो है, ये एक एक ही उसका वो है, बीमार है। इस गांव का मिनिमम 70% वोट भाजपा को है और वो रहेगा। अब देखो ये जो है, पहले मैंने बता दिया है, बुढ़ाना विधानसभा सीट है, मुजफ्फरनगर जिले की सीट है, और पश्चिमी यूपी से करीब 250 लोग, 250 जाट बिरादरी के लोगों को, क्या नाम है वो पीछे से चिल्ला के राष्ट्रीय लोकदल बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह जी, ट्रैक्टर रोक दिया उन्होंने और ऐसे आते जाते ये ट्रैक्टर जो ये बता रहे ना कि 70% यहाँ पे बीजेपी का है, ये जो है ना अमित शाह की एक बात आई थी कि 15 लाख जुबला था, ये हमारे जो बीजेपी के वोटर हैं गांव में एक दो, ये बाद में कहेंगे कि हम भी जुबला दे रहे थे 70% जुबला। अच्छा आप पीछे से आप भी आ जाओ भाई, जैकेट वाले भाई साहब, आपका क्या नाम है? सहदेव कुमार बालियान। हाँ जी, लोकदल लोकदल यहाँ तो सब लोकदल है जी। इधर भाई साहब दरोगा जी, आप जा कहाँ रहे हो पत्नी? ये तो हमारे भाई दरोगा जी है, यहाँ के युवा आगे देखो। आप अचानक देख रहे हो, एक मिनट, जिंदाबाद के नारे प्लीज मत लगाना, गांव ही बालियानों का है। बालियानों का है, सारे बालियान तो एक तरफ दिख रहे हैं, बालियान ज्यादा एक तरफ दिख रहे हैं। मैंने बताया ना, मैंने बताया है कि ये जब वोट डालने जाते हैं तो सब वहीं मिले। कहाँ हो? वही भाजपा के साथ ही मिले। मतलब ये अभी जो कर रहे हैं ये ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं? हाँ, हवाबाजी है। ये लीजिए, ये कर रहे हैं आप लोग, अभी हवाबाजी कर रहे हो वोट देते समय भाजपा हमारे भाई की आवे पेंशन हो सके वोट वाले दिन भाई ये प्रशासन के साथ मिलकर लट लेके हमारे ठप्पे मार ले, उस चीज का हम क्या कर सके? अब एक मिनट, हाँ जैसे जैसे कभी अजीत सिंह के लिए लगते थे, चौधरी साहब के लिए लगते थे हमारे यहाँ, लेकिन अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब इधर रुको, अब कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी हैसियत अब सपा में कार्यकर्ता से भी कम है। अच्छा एक मिनट बताओ, आप आ जाओ झंडा लेके, झंडे का सम्मान। आपको जो है हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक मिनट, बस 5 मिनट और। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी शुभकामनाएं, पूरे देश की को शुभकामनाएं। ये बताओ, एक सेकेंड आना, बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी है, से एक तरह से कहें संविधान आज के दिन लागू हुआ था भारत में, इसलिए आज के दिन क्या अहमियत है गणतंत्र दिवस के दिन। एक मिनट भाई साहब आ गया हो, तो ये आपने कहा बाल्यानों का गाँव है, तो संजीव बाल्यान इलाके के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जाट वोटों के सबसे बड़े ठेकेदार भी हैं बीजेपी की नज़र में, अब यहाँ अचानक आपके सामने धीरे धीरे ये जुट गए, इधर 10-12 लोग हैं, आप हैं, तो यहाँ ये रेशियो तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये रेशियो में तो आप अल्पमत में है ना यहाँ पे? नहीं, कहने में अल्पमत में रहो, बता ना, मैंने कथनी करनी का अंतर जो होता है वो अलग अलग होता है, रिजल्ट जो तो ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ इनमें कुछ ऐसे ही है, ये कह रहे एक आठवा दो जी, हमारे चाचा का आठवा दो लोकदल के, कुछ ऐसे ही है जो हमारे प्रमुख साहब के बेटे हैं। ये देखो ये तो हाथ उठा रहे हैं सब, किसी दल का नाम ना, अगर ये लड़का कहेगा कि हाथ उठाओ चाचा तो मैं भी उठा दूंगा। अच्छा ऐसा है, अच्छा ये करे शपथ दिलवा दो सबसे कि सब बीजेपी के खिलाफ, ये करो आप, अब ये है हाथ नहीं उठाते हैं, अब ये है, अब मैं बता, ये कहेंगे चचा उठा दे, ये कहेंगे ये चचा, ये हमारे चचा, बट ये तो हमें वो अकेले उधर मिले, अरे भाई साहब, अरे आपको मैं चचा कह के कहता हूँ, ये चचा हमें अकेले मिले थे उधर, तब कोई ये नहीं थे, अकेले मिले ना, अब मिलते ही ये मुझे पूछने लगे आप किधर हो, मैंने कहा मैं कहीं नहीं हूँ, तो इन्होंने कहा ना बताओगे तो मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर अंत में इन्होंने कहा कि मैं लोकदल वाला हूँ, मतलब ये मुझे ये कह रहे थे कि आप बताओ, अगर बिल्कुल बिना सोचे ही कोई जाए तो जाए, नहीं तो आज मैं सही बता रहा हूँ कि हमारे जयंत चौधरी की हैसियत आज सपा में उसके कार्यकर्ता से भी कम है। अरे 30 से ज्यादा सीट पर चुनाव, क्या गृह मंत्री पे अकेले नहीं पर्चे बंटवा दिए केरला में? चौधरी जयंत ने गृह मंत्री पे अकेले नहीं केरला में पर्चे बंटवा दिए, ऐसे ऐसे पर्चे बंटवा दिए देश का दूसरे स्थान का, बताओ
जो गृह मंत्री है प्रधानमंत्री के बाद में जो गृह मंत्री है वो कराने में पर्चे बांटता फिर चौधरी साहब की कितनी बड़ी हैसियत जयंत की है, ये हैसियत जयंत की। और दूसरी बात ये बता रहे हैं कार्यकर्ता, आज ये बुढ़ाना विधानसभा की बात नहीं, 6 सीट है यहाँ पे, 6 विधानसभा है, अगर एक भी लिया हमें ये वीडियो अपने फोन में आप फोन रखो, अपने फोन में रिकॉर्ड कर लियो, हम क्या कह रहे हैं, मुसलमानों का नेता है, जाट नेता नहीं, जो मुसलमान आदमी नहीं है, मुसलमान आदमी नहीं है। अरे अगर मोदी जी काम को करे था, 7 साल हो गए सरकार को, 7 साल हो गए सरकार को, कहा था जयंत चौधरी, कहा था ये भाजपा वाले जितने भी है, मीटिंग कर रहे थे बसी में, ये भाजपा वाले जितने भी है पूरे 7 साल हो गए, इन्हें ये कहते नहीं नहीं, ये मुसलमान हिंदू एजेंडा कोई नहीं इनके पास में, कोई और मसला नहीं है। दूसरी बात अरे किसान बिल ले का है, कोरोना काल में किसान बिल ले का है, 2 जागतुका जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाता ना, जब इतना डर है मुसलमानों का। एक मिनट ये बताओ, 2 मिनट और आपको रोक रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी हो, पैर छूता हूँ आपका, प्रणाम करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, चूंकि इनको अचानक रोका और ये घर जा रहे थे ये चारा लेकर, तो इसलिए एक मिनट। ये बताओ कि चुनाव में अब शुरू ही करते हैं अमित शाह कैराना से, तब मुजफ्फरनगर किया 14 में, और ये जरूरत क्या है, चुनाव में चुनाव लड़ो, विकास की बात करो, जो मुद्दे बात करो, क्या कैराना में जाके पर्चे बांट के फिर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो, कल वो मथुरा जा रहे हैं, ये सही है क्या, अमित शाह कर रहे हैं और कौन कर रहा है, कर तो वो रहे हैं जिन्होंने प्रदेश को बेचा है 5 साल, लूटा है सपा ने, लूटा है जिन्होंने, दिया क्या उन्होंने, मिल उनका रुका हुआ पेमेंट किसानों का भाजपा ने दिया, क्या सारा पेमेंट दिया, कहीं नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, तेरे मोंट की पिछली पर्ची आ चुकी है, पार्ट में दे तेरे में, तेरे मिल की, तेरे मोंट की 14 तारीख की पर्ची आ चुकी है। एक मिनट नारा मत लगाओ, एक मिनट रुको आराम से। अभी मैंने एक वीडियो किया था, मुझे लगता है छपरौली विधानसभा सीट थी शायद, वहाँ सुरेश राणा के इलाके में भी, थाना भवन में भी, वहाँ उनके इलाके में जो बजाज मिल है, मोदी का जो मिल है, जो ये सब में पेमेंट नहीं हुआ है, पिछले साल का बाकी है, पिछले साल का, और सुरेश राणा का भी घेरा हो गया था, आप सही बोल रहे हो, नहीं हुआ आपका, हुआ उधर नहीं हुआ, मंसूरपुर मिल का पेमेंट 14 तारीख मिल, वो आज से जब 100 मील लगा, वो किसी सरकार के आस्तिक नहीं है, वो पहले से ही भी और मंसूरपुर भी पहले से ही पेमेंट देते आए, उन्हें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, नहीं मैं वही बात है, वही बता रहा हूँ कि बहुत जगह नहीं हुआ। चलो अब एक मिनट अब ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये फिर मैं बताऊं कि अचानक ही इस बुग्गी गाड़ी को रोकने के बाद ये कुछ लोग जुट के पीछे, शोरम यहाँ से 2 किलोमीटर है, ठीक है, अब आप लोग ये बताओ कि अमित शाह जो वहाँ जाट 250 जाटों से मिल रहे हैं, उसमें जाट बिरादरी के रसूखदार लोग होंगे, किसान भी होंगे, उसके बाद ये मैसेज तो जाएगा कि बीजेपी जाट लोगों से बात करके उन्हें समझाने में कामयाब हो रही है या समझाने की कोशिश कर रही है, फ़र्क पड़ेगा उससे? ये जो फर्जी चौधरी बनाया का सबे पता है, यहाँ के क्षेत्र के जितने भी आदमी हैं, अब ये मेरे रामपाल सिंह ही नहीं पता कि हरिजनों का चौधरी कौन है, अब बना के आप ले जाओ किसी और को, तो इन्हें पता नहीं कि हमारा चौधरी कौन है, ये सब जाने हैं, जितने जाट वहाँ जा रहे होंगे आज, उनमें कोई चौधरी नहीं, नहीं चौधरी होंगे नहीं, होते हो तो ही कुर्ता नीचा होते ही हो जाके चौधरी, जिसे हम बनावे न, जैसे भाई बालियान का नरेश टिकेत बना रखा, अरे संजीव बालियान तो खुद ही मंत्री है आपके, मंत्री रहो चौधरी तो नहीं बने, वो हमारा चौधरी नहीं बने, चौधरी तो चौधरी के कहने पे सब वोट देते तो राकेश टिकैत दो दो बार खुद ही हार गए यार, राकेश टिकैत दो दो बार, बात आपने कही के मिलने जा रही, हमारे खाप चौधरी है वो सर्वमान्य है, और उस आधार पे उनकी बात भी हर माने बालजान मानता है, लेकिन अगर वोट पे आते हैं तो उन्होंने भी कह दिया है कि वोट के लिए हम किसी को वो नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा काम है, अक्टूबर में तो कह देता चो साहब ने, हम तो पहले पछता गए, पहले सरकार ला के पछता गए, तो समझ जाओ चो साहब ने कही थी, इस सरकार ने और कुछ नहीं किया हिंदू मुस्लिम 7 साल में, दूसरी बात है बनाए जाए, ये बताओ आप नेता हो क्या, सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हो, आप मतलब आप क्या नेता हो, गुस्सा है सरकार का घना है, काल घने कर रखे वहाँ बॉर्डर पर है, हमने इंटरव्यू, क्यों गुंडागर्दी खत्म हो गई है,
गुंडागर्दी खत्म होगी तो गुस्सा तो सरकार का उन लोगों को तो रहेगा, उन लोगों को तो रहेगा जिनकी गुंडागर्दी खत्म हुई है। यूपी का शासन जो है प्रशासन जो सबसे अच्छा चला है। अच्छा चलो एक एक करके जवाब, एक सेकंड, जैसे ये इन्होंने कहा यही योगी बार बार कर रहे हैं कि तमंचावादी दंगाई गुंडागर्दी करने वाले लोग ये सब बिल में घुस गए, सब खत्म हो गए, इसीलिए समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को बाकी लोगों को टिकट दे रहे, तो ये वही कह रहे हैं, ऐसा लोग बहुत लोगों को लगता है। ये एक मिनट, अजी बिल्कुल खत्म होगी, सारे के सारे तमंचे लेकर सब भीतर लुक गए बिल में, इसे पकड़ू पकड़ तो ही जो मान लो इस पे तो कुछ खुश है तो जी है ही नहीं जेब में, जी भी सरकार ने जेब में कुछ छोड़ा नहीं, वे क्या ले जाएंगे गुंडे मेरे पे तो खुश के ये तो इन्होंने सारा लूट लिया सरकार ने, मेरे पता है गुंडू के लिए। अच्छा सुनो, 24,000 जाटों को के वोट ना दिया, वोट ना दिया तो भूस भर देंगे, ये भूस भरेंगे साले जाटों अकेले एक वर्ग में 75,000 का नुकसान हुआ था। एक मिनट रुको, ये जो एक मिनट रुको चौधरी साहब, अब जो ये जो एक बहुत बात कही जा रही है, एक मिनट रुको चौधरी साहब, ये जो कही जा रही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो खत्म हो गया था, टूट गया 2013 के बाद, वो भाईचारा बना, लेकिन फिर से ऐसा माहौल बन सकता है या बनाए की कोशिश हो रही है कराना और ये सब पैदा करने की, ये भाईचारा खत्म करने की कोशिश की जा रही, लेकिन जनता इतनी बावड़ी नहीं, 2013 के दंगे में इस क्षेत्र ने बहुत झेलिया महसूस किया और नुकसान दोनों तरफ हुआ, और वो उस चक्कर में इन राजनीति जिनके बेटे मरे हैं, जिनके जिनके घर के मालिक बन गए, उनसे पूछो ना, भाजपा वालों के समझ बताया तो किसका मरे, भाजपा अजीत सिंह सर्किट हाउस में मुसलमानों की मीटिंग कर रहे थे, किसी का उनका मरे हो तो बताओ, अब रोकना पड़ेगा मुझे, अजीत सिंह सर्किट हाउस में मुसलमानों की मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद जाटों को पूछना आया था क्या, खाकड़े के मर गए, उनके घर गया था क्या, तो बसी में गया था उनके घर। अच्छा सुनो, अब एक मिनट चौधरी साहब, बात यहाँ इतनी है कि इस रास्ते पर, इस सड़क पर जो सोरम गांव से आने वाली सड़क है, एक मिनट चौधरी, अगर देखें तो आप अकेले हो और इधर 15 लोग जुट गए, तो यहाँ तो अल्पमत में हो, कहीं ऐसा ही जाटों में अल्पमत हुआ तो क्या होगा, है कि नहीं ऐसा, नहीं क्या होगा, सरकार तो भी नहीं रुकती, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा है नहीं, सरकार फिर भी नहीं रुकती, आप कोई अंतर नहीं रहेगा, आप सरकार नहीं रुके, कैसे जी बताओ, आप दो चार सीटों से कोई कोई मुख्यमंत्री बन रहा क्या, इस बारे में आप बताओ उदाहरण दो, सरकार ऐसे बढ़ेगी, कहीं घटती है कहीं बढ़ती है, ये तो राजनीति है, कहीं घटती है कहीं बढ़ती है, तो सरकार रुक रही है दो चार, आप रुको, अब मैं रोक रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत बात की जरा इनसे, चूंकि इनके बुग्गी गाड़ी पे इतनी देर से हमने इनको रोक रखा है, एक मिनट है बुग्गी मारी है, कोई दिक्कत आपकी है कोई बात नहीं, अब ये बताओ चौधरी साहब, आपके गांव में जिस गांव में रहते हो, क्या नाम है गांव का, गोयला है जी, गोयला, तो आपके गांव में कितने जाट हैं, कितने जाट हैं नुके आप पता है, 3 ढेरी जाट हैं, तो जितने हैं उसमें ज्यादा किधर है, ज्यादा लोक दल में है। अच्छा तो चले गए, चलिए अब उनसे फिर बात करना चाहता था, तो ऐसे ही अचानक चौधरी साहब की बुग्गी गाड़ी पे बैठ गया, छोटी बुग्गी है, पचास हजार वोट से जीतता की लोकदल, चलिए जी 50,000 वोट, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंडी हवा चल रही है, हाँ चलिए, लोकदल रहेगी, लोकदल रहेगी, वो दरोगा जी के भतीजे आप, लोकदल रहेगी, अरे भाई चाचा भतीजा, लाओ लाओ लो चाचा को बुलाओ, इनके चाचा को बुलाओ भाई, चाचा सही में चाचा है, अरे ये तो बड़ा और दिलचस्प हो गया, ये भतीजा लोकदल की बात कर रहा है, ऐसा है हम तो सब तो बढ़िया सरकार रही मायावती की, इस तो बढ़िया कोई सी नहीं रही, सब तो बढ़िया, ज्यादा तो उरे को लो सबसे ज्यादा तो रोजगार दिया, और जी क्या नाम गन्ने का सबसे ज्यादा रेट दिया, और नगद पेमेंट आ बिल्लू का, और यह सरकार रही सबसे घटिया, और एक मतलब झूठ ज्यादा बोल रहे, कभी तो कहते हैं 15 लाख खाते में आओगे, आया थारे में आओ मेरे में आओ किसी के में, एक क्या नाम अगर रोजगार देंगे वो देंगे,
मतलब सारे झूठ ही झूठ बोल रहे हैं, ये सच्चाई तो इनके यहाँ है ही नहीं। चौधरी साहब किस गांव के रहने वाले हो? गोयला। गोयला, अच्छा, जिस गांव के वो बुकी गाड़ी वाले? ये गांव है यहाँ तो। ये लेकिन लोग कह रहे आधे आधे जाट हो गए, 50-50 मामला हो गया। नहीं, आधे हो गए यहाँ तो क्या नाम, तीन डेरी में RLD गठबंधन है। अच्छा, हाँ हाँ, एक डेरी में क्या नाम BJP और उधर हो गए सारे। कह रहे जाटों में ये भी नाराजगी है, मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से 1 ही सीट बुढ़ाना मिली RLD को, बाकी 5 सपा को है। हम नाराजगी खत्म कर दी तो हमने, सब नाराजगी पता नहीं बैठ गई, सब निबट गई है, तो गठबंधन को वोट देंगे। एक ही बतेरा जी, लेकिन ये नाराजगी थी कि 6 में 5 में चली गई सपा, ये तो कर दी खत्म होगी, कोई नाराजगी नहीं। लोकदल राजपाल बालियान जी जीते, एक लुक अगला था 15 दिन करने का पेमेंट देगा, पिछले साल का भी नहीं मिला बोलो, और ये बछड़े ये सारी फसल खाएगी, आए दुगुनी कहे थे होगी आधी। आप चौधरी साहब नेता हो क्या लोकदल के? नेता तो नहीं, नेता पेता नहीं, बताओ क्या नाम, देसी हूँ। तो ये बताओ उधर अमित शाह इतने लोगों को मिल के बात कर रहे हैं, करेंगे तो उससे तो मामला थोड़ा सुलझेगा? नहीं, वो तो वो भी झूठा ही, वो क्या सच बोल रहे हैं, वो भी तो झूठा ही है अमित शाह। नहीं होगी तो क्या नाम, हमें बुलाते तो हम उसे जवाब देते हैं अमित शाह को। आपको क्यों बुलाते हैं जब आप लोकदल समर्थक पहले से? नहीं, तो हम तो तैयार है, चल लो। वोट दिया था आपने? क्यों दे, हम BJP को पहले दिया कि नहीं? नहीं, पहले उसमें दी क्या नाम, लोकसभा में? लोकसभा में दी? हाँ दी। अच्छा, लोकसभा में दी, दोनों में दिया। हाँ, संजीव बालियान को, संजीव बालियान को? हाँ, संजीव बालियान को दिया। बालियान ही तो वहाँ मिलवा रहे सब लोगों को? हाँ, तो बालियान मिलवा रहे, तो क्या नाम, हम जाकर उस अमित शाह को बताते हैं। मगर तू सारे झूठी झूठ बोल रहे, तेरे यहाँ सच्चाई तो ही नहीं। इधर आओ दरोगा जी, आपका भतीजा, इनका भतीजा कौन है? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर। पहले ये सही बात, असली भतीजा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए, अब बीच में आ जाते हैं जरा, ये भतीजा है और ये चाचा है, और ये पुलिस से रिटायर कर चुके। भतीजा क्या करते हो आप? खेती करो जी। खेती करते हो। चाचा BJP के पक्के वाले समर्थक है? मैं BJP का नहीं हूँ। हाँ, RSS का हूँ। तो BJP RSS? सही बता रहा हूँ, मैं BJP का बात नहीं हूँ, RSS का हूँ। वो मात्र संस्थान है, एक ही बात है, मतलब RSS का चुनाव से BJP पैदा होती है, मैं वहाँ हूँ। अरे सर, मुझे पता है 1925 में कब RSS पैदा हुई, 1951 में जनसंघ कब पैदा हुई, 80 में BJP पैदा हुई, वो सब मुझे पता है। चलिए, लेकिन RSS चुनाव नहीं लड़ती है तो वोट तो फूल पे ही देते हो ना? मैं उसी मानसिकता। अरे फूल तो पे वोट देते हो, वो तो बताओ। राजनीतिक विंग है तो वोट तो वहाँ देना। हाँ, वही देना। अब आप उधर हो, अब भतीजा ये तुम किधर हो? लोकदल। तो ये चाचा भतीजा परिवार में, परिवार के मुखिया को भी ये नहीं पता होता कि वोट सब और सदस्यों के वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जहाँ उसका जाएगा। हाँ, पता था कि भाई वोट वाले दिन सारे BJP के है जी, BJP के शुरू से, RSS के, RSS के वोट दी, लेकिन इसकी नीतियों से खुश नहीं हम, और हमने भी दी BJP को वोट, संजीव बालियान को दी, और हम भी है, हम कद लोग है, लेकिन हमारे आए आधी कर दी, दुगुनी कहे थे और उसकी आधी कर दी, रेट इतने तेल इतना बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, मतलब कोई सुविधा नहीं दी, कोई रोनी हो गई, आमदनी दुगनी हुई खेती में? खेती में हाँ, वो 2022 में दुगनी हुई। ये तो आकलन करने वालों का वो है, और किसान ये वेस्ट UP जो है पहले से किसान कृषि प्रधान है, ये कभी ना भूखा मरा है ना मरेगा। अरे कृषि प्रधान की बात नहीं कर रहा चौधरी साहब, दुगनी हुई कि नहीं आमदनी? आमदनी बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है। चलिए बहरहाल, तो अलग अलग लोग मिल गए, आप चाचा किनके हो, कौन किसका चाचा? ये चाचा हो गए आपके, भतीजा तो इधर किधर है बता चुके, चाचा किधर है? नहीं जी, ये तो इनकी बात है जी, हमारी तो, हम तो पूरा परिवार ही लोकदल का है। लोकदल के? चलिए, तो बहरहाल हमारे यहाँ जो है, जो छोटे से छोटा काश्तकार है, अगर अपनी फसल बचावे तो उसे 1 लाख रुपए कम से कम खर्च करना पड़ेगा तो फसल बच सके, और तो आय कहाँ रह जाएगी? हाँ जी, बिजाड़ी इतना छूट गया बहुत ज्यादा। अच्छा, गौशाला के लिए कह रहे प्रधानों को, कह रहे इतने पैसे दे दिए, कुछ नहीं दिया जी, झूठ बात है सब। रही मनसूख, यो बुढ़ाना मिल है जी, पिछले साल का पूरा पेमेंट नहीं दिया इसने, और इस साल का तो क्या देंगे, और कह दिया नुक सब दे दिया हमने तो दिवा दिया। चलो बहरहाल, तो ये चूंकि मिल और बिजाड़ की बात, गन्ने की कीमत 5 साल में सिर्फ 25 बढ़ी, और बहुत मिलों पर अभी बाकी है, ये बात कई बार कर चुके। मकसद आज ये जानने का था कि अगर अमित शाह अगर 250
जाटों को, पश्चिमी यूपी के जाटों को बुलाकर बात करते हैं। ऐसी कोशिश उन्होंने 2017 के पहले भी की थी, जब हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन से नाराज हुए थे जाट, तो उस समय भी पहल की थी। आज भी ऐसी पहल अमित शाह की तरफ से है। अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसी को समझने के लिए मैं इस इलाके में घूम रहा था। आप लोगों ने बातचीत से समझ लिया होगा, एक वो मिले चले गए उधर चौधरी साहब, जिनका आरएसएस से पुराना नाता है। बाकी यहाँ जो लोग हैं जिन्होंने क्या कहा आपने समझा। फिलहाल अब किसी और इलाके में चलेंगे और ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि जाट बिरादरी में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को क्या अमित शाह बीजेपी उनसे बात करके, संवाद करके दूर करने की कोशिश में कामयाब होगी क्या। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पश्चिमी यूपी के लगभग डेढ़ दर्जन ज़िले हैं जहाँ लगभग 100 सीटें हैं, जहाँ जाट वोट बैंक नतीजों को प्रभावित कर सकता है। अगर जाट और मुस्लिम भाईचारा जो कायम हुआ है उस भाईचारा के हिसाब से मतदान हुआ तो, और करीब करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की ठीक ठाक तादाद है, एक तरफा वोटिंग बहुत मायने रखती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब ये सब लोग अपने ट्रैक्टर और बुग्गी गाड़ी से अपना गन्ना लेकर चले, ऐसे ही चलते हुए अचानक सड़क पर मिले थे और रुके थे। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।